से मैं हूँ उस्मान, आप देख रहे हैं सर सिंह यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम टॉपिक जिसमें हम बात करना चाहते हैं सीधा नेशनल टॉपिक्स के बाद नाशन। तो आज नेशनल टॉपिक्स में बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो सर चाहते हैं हम, तो हम देखेंगे ये कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सब उनकी कुछ उनमें कुछ खिद गई है, वो सब अरूज पहुँच गई है और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सब जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं और दोनों मुल्क में जंग जो है वो किसी की छिड़ सकती है और दोनों पाकिस्तान जो है उस वजह से जितना रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर सकता है वो पाकिस्तान कर रहा है और सिर्फ जो भी कार्रवाई कर रहा है, यानी कि कोई भी एग्रेशन शो नहीं कर रहा है। इंडिया एक तरह से मुसलसल जो है वो एग्रेशन शो किया जा रहा है और मुसलसल जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट की जो है वो वायलेशन की जा रही है और ये बिला फायरिंग का सिलसिला इंडिया की जानब से वो जारी है, जारी और सारी है। और इंडिया जो है मुसलसल जो है वो सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है और वहाँ पर जो सिविलियन आबादी को जो टारगेट करके वहाँ पर सिविलियन आबादी को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया को पता है कि वो पाकिस्तान के आदमी को तो टारगेट कर नहीं सकता और पाकिस्तान के आदमी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, उससे वो सिविलियन पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करता है। तो हालात जो है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो अब देखने ये कि क्या ये मामला जो है आगे किस रुख जाते हैं और क्या ये कोई मैं छोटी छोटी झड़पें हैं किसी बड़े जंग में तब्दीली का पेश करना तो साबित नहीं होती होंगी फ्यूचर में, तो ये भी देखना, ये भी देखना बाकी है। उसके हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसमें हम गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन को देखेंगे, गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन कल होने वाले हैं, कल 15 नवंबर बुधवार को होने वाले हैं, वो भी देखेंगे कि वो कितने हंगामा खेज होते हैं और कौन सी पार्टी जो है वो वाजह बेहतरी या वाजह अक्सर लेके हुकूमत बनाती है, तो ये भी देखना बाकी है। और दूसरा ये कि पीडीएफ गवर्नमेंट जो है उसके बारे में मुकम्मल पूरी उम्मीद है, वो ये सोचती है कि ये इस इलाके में उनको मुकम्मल कामयाबी जो है वो नसीब होगी। तो जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अहम है, तो उस बारे से देखेंगे कि जो अमेरिकी आर्मी चीफ थे जिनका नाम था मेरे ख्याल से मेरा नाम सिंह अमेरिकी आर्मी चीफ का, तो वो उन अमेरिकी आर्मी चीफ ने कहा है कि जी वी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी किंग क्वीन और टायरेंट डिक्टेटर फ्लां फ्लां फ्लां, उन्हें इस तरह के नाम लिख दिया, यानी कि उनका जो बेसिक मकसद था वो कहने का ये था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को गुलाम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को सर्वेंट नहीं है और हम सिर्फ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के पाबंद हैं। तो ये क्या पैगाम था, इसमें क्या हिडन पैगाम था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो ये भी देखेंगे, इसके ऊपर भी नजर आएंगे और देखेंगे कि आज़रबैजान और जो आर्मेनिया का क्राइसिस है उसमें भी अब क्या रिसेंट डेवलपमेंट होने जा रही है उसको भी देखेंगे और इस टेंशन का पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक से क्या ताल्लुक बन सकता है, तो ये भी हम देखेंगे। सॉरी, तो हम से चलते हैं नेशनल टॉपिक्स पर। हुआ कुछ यूँ है कि गिलगित-बल्तिस्तान शुरू कर लेते हैं, तो गिलगित-बल्तिस्तान में कल इलेक्शन हो जाने, कल बरोज 15 नवंबर बरोज इतवार को जो है ये इलेक्शन होंगे और वहाँ पे तीन बड़ी सियासी पार्टियाँ NPPP और जो PTI है वो इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगी और आवाम को जो है वो अपने वोट के जरिए जो है इन पार्टियों में तीनों पार्टी में से किसी एक को जो है मुंतखब करेंगे और उसको मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में लेके आएंगे। तो ये कल शाम 6 या 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम जो है वो जल्द जो है पता चल जाएंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो फातह कर पाएगी इन इलेक्शन में और कौन सी पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी गिलगित-बल्तिस्तान में। तो इन रिजल्ट ऐसे इलेक्शन का जो है वो बड़ा दूर अंदाज होंगे खत्े में भी और रीजन में भी और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है जो उसमें भी इसका काफ़ी अहम किरदार होगा। तो अभी देखना ये कि इन इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है और इलेक्शन में कौन जो है वो फतेह बन के सामने आता है, तो ये भी देखना बाकी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है सोल क्या सोचा है, इंडिया से उसकी क्या प्लानिंग अब चल रही है दिमाग में, वो इंडिया जो है उसका क्या नई जो खिचड़ी है पका रहा है और क्या इंडिया जो है वो अब उस मरहले में दाखिल हो गया है कि वो जो इंडिया और चाइना की जंग है उसको पाकिस्तान और इंडिया की जंग में कन्वर्ट कर दे। तो इंडिया जो है सवाल से उसने कल जो है यानी कि 13 नवंबर को जो है इंडिया ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो है उसमें टोटल 17 मकाम पर जो है उसने बैक वक्त जो है उसने खिलाफवर्जी की है, सीज़ एग्रीमेंट की और वहाँ पर उन्हें शदीद यानी कि गोलाबारी किया है, गोला बारूद इस्तेमाल किया है, उसमें एक इंतहाई किस्म के मोहल्लिक हथियार भी उसने इंडिया ने इस्तेमाल की है और काफ़ी ज़्यादा शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाया है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें शहरी आबादी को नुकसान हुआ है, उनकी ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि उनका माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसमें देखना यह है कि जो इंडिया ने बैक 17 मकाम को निशाना क्यों बनाया है और 17 सेक्टर पर गोलाबारी क्यों की है इंडिया ने सेम टाइम में, और दूसरा ये कि वो सिविल आबादी को टारगेट कर रहा है वो उसका बुनियादी मकसद क्या है इंडिया का है। तो हुआ कुछ यूँ है कि इसका बैकग्राउंड देखने से हुआ कुछ यूँ कि इंडिया कहना यह है कि ज़िला कुपवाड़ा में बेसिकली मुहिदा हुआ मार्का हुआ था मुजाहिदीन के दरमियान और इंडियन आर्मी के दरमियान, जिसमें इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस यानी काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मी के जो जवान थे वो इसमें हलाक हो गए थे और उसके अलावा जो दीगर जो इनके आला अफसरान थे वो भी इसमें जख्मी हुए थे और हलाक हुए थे। तो इतना बड़ा जो भारी नुकसान उठाने के बाद जो है इंडियन आर्मी जो है वो भोकलाहट का शिकार हो गई और उसने फिर सीधा पाकिस्तान के ऊपर जो है महाज खोल दिया, वहाँ पर बैक वक्त 17 मकाम पर LOC के उसने
ने जो है वो ओपन फायर के बिना स्टार फायरिंग का सिलसिला वो जारी सारी कर दिया इंडिया ने, और पाकिस्तान की शहरी आबादी को बिना दर निशाना बनाया और हर किस्म का उसने हथियार जो है वहाँ पर यूज़ किया, जिसमें मार्टर गोले भी शामिल है, जिसमें हैवी मशीन गन भी शामिल है, जिसमें उन्होंने स्नाइपर्स भी यूज़ किए हैं, जिसमें उन्होंने हर किस्म का गोला बारूद जो है उन्होंने यूज़ किया और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का गोला बारूद उन्होंने यूज़ किया जो पहले कभी भी यूज़ नहीं हुआ इस सीज़ फायर वायलेशन में। तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या प्लान है, उसमें क्या इसके इंटेंशन है, और दूसरा ये कि इंडिया क्या नई चेक पोस्टें बनाने लगा था नीलम वैली से नीचे उतर के, यानी कि पहाड़ी की टॉप से नीचे उतर के पाकिस्तान साइड में, क्या वो नई चेक पोस्टें कायम करने की कोशिश कर रहा है, और नई पेशकदमी क्यों कर रहा है, नए बंकर्स क्यों बना रहा है, और ये ऐसा चीज़ें अक्सर क्यों प्लान की जा रही हैं। तो उसमें देखना यह कि पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर उस वाले से क्या है, और उसमें पाकिस्तान जो है वो क्या इकदाम कर रहा है, और पाकिस्तान जो है उस वाले से क्या सोच रहा है, और इंडिया को कैसा रिस्पॉन्स है उस वाले से दिया जा रहा है। तो कुछ क्योंकि इंडिया ने फिर 17 मुकम्मल जब फायरिंग की पाकिस्तान में, तो काफ़ी ज़्यादा जानी मालिक संघ का सामना करना पड़ा शहरीबादी को, और तकरीबन एक आर्मी ऑफिसर और चार जवान जैसे एक आदमी शहीद हुआ और चार जवान जैसे वो जख्मी हुए। इसके अलावा से जो सिविलियन पॉपुलेशन का जो नुकसान हुआ उसमें एक जो खातून थी वो शहीद हो गई, और उसके अलावा जो 12 लोग जो हैं वो जख्मी हुए वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है जहाँ पे मुख्य घरों को जो है वो आग लग चुकी थी, काफ़ी घर जो थे वो जल के खाकसा हो चुके हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो उनके जो सर्दियों का सामान जो था वो भी जल के राख हो चुका है। तो इस वक्त शदीद ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट फ्राहम कर रही है, मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑस्ट्रेलियन आबादी को जो है वो उसने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फ्राहम करी है, उनको शर्टें फ्राहम करी है, उनको गर्म कपड़े गर्म खाना और जो उनको गर्म लिहाफ वगैरह गर्म जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जा रही हैं, ताकि उनको जो सर्दी से बचने का बंदोबस्त जो है किया जा सके, उनको हर मुमकिन हद तक जो है वो रिलीफ फ्राहम किया जा सके। तो नेशनल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इस वाले से एक कंप्लीट लिस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने तमाम बताया कि कितना नुकसान हुआ है और कितना पॉपुलेशन को नुकसान हुआ है, और क्या क्या इसमें जो है वो डैमेजेस हुए हैं, और इंडियन आर्मी ने किस हद तक नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तो इस वाले ज़्यादा पाकिस्तान रिस्पॉन्स देंगे, तो पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर जवाब दिया इस वक्त इंडिया को, इंडिया की जो तमाम चेक पोस्ट जहाँ से फायरिंग हो रही थी, जहाँ से निशाना बनाया जाता था पाकिस्तान सिविल पॉपुलेशन को, तो उन चेक पोस्टों का मुकम्मल तबाह कर दिया गया है, और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान किया गया है, और इंडिया के जो इस वक्त इंडियन आर्मी जो है उसको छुपा रही है असल कैजुअलिटीज़ को, जो कि उनकी साइड में हुई है आर्मी इनके उनके बंकर्स में जो हुई है आर्मी की उनके जवानों की, तो उसमें इंडिया ने भी इंडियन मीडिया जो है वो भी छुपा रहा है, इंडियन आर्मी जो है वो भी छुपा रही है हलाकतों को। तो देखना ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने तो भरपूर जवाब दिया उस वक्त उसको ख़त्म नहीं किया, जब तक उनकी जब तक वहाँ से फायरिंग या जो मार्टर गोलों का शेलिंग का सिलसिला था वो जब तक ख़त्म नहीं हो गया, और जब तक वो पूरा चेक पोस्ट जो है इंडिया की तबाह नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम था, बहुत ही मजबूत रिस्पॉन्स है, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो देखना यह है कि क्या इंडियन आर्मी सिर्फ इसी पर इतफाक़ करती है, क्या इंडियन आर्मी इससे इसके बाद भी कोई बड़ी जो है वो सरहदी कशीदगी मज़ीद बढ़ावा देती है, या कोई नया एडवेंचर भी कर सकती है, तो ये देखना बाकी है। और दूसरा इस वाले से कि पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान आर्मी इस वाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान आर्मी जो है उस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और ये तमाम इलाके जो है उस वक्त हाई अलर्ट में हैं, और पाकिस्तान जो वो किसी इंडिया की किसी मतवक़ा मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए भरपूर तौर पर तैयार है। इस वाले से वज़ारत ख़ारिजा में आज जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डी जी एस पी मेजर बाबर खां और वज़ारत ख़ारिजा वज़ीर ख़ारिजा शाहमहमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने इंडिया के जो थे इनके नफाक अजायम थे उनको वाज़ा किया, उनको बेनकाब किया, और दुनिया के सामने उनको एक्सपोज किया। उसमें उन्होंने बताया कि डी जी एस पी साहब ने कहा कि जी इंडिया जो है वो बेसिकली दो फ्रंट पर जो है पाकिस्तान का मुहाज़ खोला है, इसलिए एक तो मशरकी फ्रंट पर उसने बताया इंडियन आर्मी जो फायरिंग करी है, इस वक्त वॉजेशन करी है, इससे दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान में भी वो जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को जो है फंडिंग कर रही है, फाइनेंस कर रही है, और वहाँ पे जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर कह रही है कि वो जाके एक्शन लें, यानी कि वो पाकिस्तान जो उनको मुकम्मल तौर सपोर्ट फ्राहम कर रही है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको असला भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, ताकि वो पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस वजह से डीएसपी ने मुकम्मल तौर पर बताया कि जी इंडिया जो है वो दाइश पाकिस्तान के नाम से अफगानिस्तान में तंजीम बना रहा है, जिसमें जिसका मकसद ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई को फ़रोग देना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम फैलाना है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। तो इस वजह से ये बिल्कुल सेम को उसने टाइप क्रिएट की है जिस तरह से इन्होंने TTP क्रिएट की थी इंडिया ने, और इंडिया ने जिस तरह TTP को फंडिंग किया थी, और जिस तरह इंडिया ने TTP को जैसे सारा फाइनेंस किया था और फंडिंग की थी, तो ये बेसिक सेम दूसरा वर्जन जो है दाइश पाकिस्तान का जो है इंडिया ने क्रिएट किया है अब। और बेसिकली इस तरह जो DSPI ने पर्सनल फोर्स मुकम्मल एविडेंस के साथ जो है वो इनको एक्सपोज किया है, उसमें बताया गया कि किस तरह से इंडियन एम्बेसडर जो है वो खुद इन्वॉल्व है फंडिंग में, फाइनेंसिंग में, इन दहशतगर्द ग्रुपों को इन दहशतगर्द फाइनेंस करने में, माली मदद करने में।
तो ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, उससे मुकम्मल तौर पर डोजे तैयार किया, तो एक डोजे भी तैयार किया जाएगा जिसको बैन अवी सतह पर तमाम मालिक को भेजा जाएगा और इसको अकवा मतदा में प्रेजेंट किया जाएगा और तमाम मुल्कों को इस वाले से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इसमें देखना यह है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस वाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान जो है उस वाले से अब मज़ीद क्या कार्रवाई कर सकता है और इंडिया जो है वो उसकी आने वाले दिनों में मूव्स क्या होती हैं और क्या पाकिस्तान जो है इंडिया को ब्लैक लिस्ट करवाता है FATF में, तो ये भी देखना बाकी है। इस वजह से हम ये भी देखेंगे कि इंडिया जो है ये सब काम क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है, उसको किसकी आशीर्वाद जो है उसको मिली है अभी रिसेंटली जिसके बाद इंडिया ने ये कार्रवाई जो है तेज़ कर दी है और वह अब जो है वो क्या कोई बड़ा एडवेंचर करने वाला है। तो मैं आपको बता चलूँ कि इंडिया जो है वो अब उसका प्लान ये है कि जो जंग जो है पहले उसने कश्मीर मकबूल कश्मीर लेनी थी वो उसको आज़ाद कश्मीर में लाना चाहता है, वो अब वो गिलगित बल्तिस्तान में तक वो पहुँचना चाहता है, वो इलेक्शन को सबोताज करना चाहता है। इसलिए इंडिया जो है और इंडिया जो है इन इलेक्शन को सबोताज करके गिलगित बल्तिस्तान को भी और खुदा खासा आज़ाद कश्मीर को जो है वो उसको कब्जा करना चाहता है। तो इंडिया का ये प्लान है और इंडिया जो है वो नवंबर दिसंबर में जो है वो मज़ीद कोई बड़ी कार्रवाई करके जो है वो कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो ये टाइम उसको सूट करता है कि इसमें अमेरिका भी इसका लिम्बो स्टेट में, यानी कि अमेरिका की जो सियासी हालात हैं वो भी इसको लटके हुए मौलक हैं और कोई भी वाजह सुशी में अमेरिका में नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया जो है सुरक्षा का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान के साथ उसने सरहद कशीदी में मज़ीद इजाफा कर दिया हुआ है। तो इंडिया जो है वो एक फुल स्केल वॉर की तरफ जा सकता है और पाकिस्तान में जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो DGPR साहब ने मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म किया कि इंडिया जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में जो है वो बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई जो है वो करने जा रहा था और इसको बड़े तौर पर बड़े टाइम में उसको जो है वो एक्सपोज किया गया और उसको आइडेंटिफाई किया गया और इंडिया के हर बूथ को जो है वो इंशाअल्लाह नाकाम बनाया जाएगा और किसी सूरत भी इंडिया के न पाकिस्तान को न पाक मनसूबों को पक्ष में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वाले से इंडिया जो है वो मज़ीद जो क्या कर रहा है, इंडिया जो है अब नवंबर और दिसंबर में जो है वो कोई बड़ा मिस एडवेंचर करने वाला है और ये गवर्नमेंट का भी इम्तहान होगा कि वो इन हालात से कैसे नंबर आजमा होती है और इन हालात में क्या कोई बड़ा स्टेप या कोई बोल्ड स्टेप लेती है और क्या इस वाले से कोई बड़ा इकदाम किया जाता है। तो इस वाले से ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है उसको करना चाहिए और दूसरा ये कि इंडिया, लेकिन ये भी देखना जहन रखना चाहिए कि अगर दुश्मन जो है वो जंग के भरपूर मूड में है तो आपको अपनी दफाई तैयारी से दफाई हिकमत अमली से गाफिल लेना चाहिए और अगर कोई ज़रूरी कदम या कोई ज़रूरी एक्शन लेना पड़ा तो उसे भी दरकिनार करना चाहिए और इस वाले से मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए हर दम और हर लम्हा। तो इंशाल्लाह था पाकिस्तान की हिफाजत करेगा और पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तानी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान आर्मी के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़ी हैं और दुश्मन को भरपूर दमदार शिकन जवाब देने के लिए हर लम्हा और हर दम तैयार है और इंडिया को इस दफ़ा कोई रियायत और कोई मौका नहीं दिया जाएगा और इस दफ़ा कोई टी पार्टी नहीं होगी, इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ फाइनल मार्का होगा अगर इंडिया ने किया तो फिर। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है कि अगर इंडिया ने कोई ऐसे मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस दफ़ा जो मंजिल होगी वो श्रीनगर नहीं होगी बल्कि वो नई दिल्ली भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह होगी, तो देखने ये कि फ्यूचर में होता है क्या और इंडिया क्या इस हालात को इस मैच पर लेके जाता है कि इंडिया का मूडी जो है वो इन हालात को संभाल पाएगा बाद में। तो ये रहना बाकी है और चाइना जो है उस वाले से भरपूर तौर पर अलर्ट है, वो भी तैयार है और वो भी अपनी जो उसने तैयारियों में मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट कर ली हुई हैं। तो अब सिर्फ जो है ये पाकिस्तानी जो हकाम उनका ये कहना है कि वो कब और किस वक्त जो है वो अहम फैसले लेते हैं, तो अभी ये देखना बाकी है। तो अब चलते हैं सीधा इंटरनेशनल टॉपिक से, तो इंटरनेशनल टॉपिक में बहुत ही अहम टॉपिक से तो सोचना चाहते हैं हम कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और यू एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक जो मज़ीद गंभीर हो चुके हैं और यू एस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सब अब बराह रास्त जो है वो धमकियाँ दे रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब को और सब US आर्मी चीफ जो है उन्होंने धमकी दी है इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, कहा कि वी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी किंग क्वीन टायरेंट और डिक्टेटर, वी ओनली ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ओनली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि उनका कहना ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मातहत हैं, तो हम आइन के मामला जो है कोई इकदाम नहीं करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी गाय आइनी जो हुक्म है उसको नहीं तस्लीम करेंगे और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई अमल दावा जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ऐसे क्या खदशात हैं इस वक्त अमरीकी आर्मी चीफ को, अमरीकी स्टैब्लिशमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ऐसा हुक्म दे सकती हैं, वो कोई ऐसा एक्शन दे सकती हैं जिसको फॉलो करना सिर्फ ना सिर्फ अमरीकी आर्मी को मजबूरन अमल करना पड़ेगा बल्कि उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब देखें ये कि जो ये बयान जो है अमरीकी आर्मी चीफ का वो खत्ते में और जो इस इन हालात में क्या नई तब्दीली ले गया था और इनमें इंडिया जो अमेरिका है उसके हालात जो है वो किस कदर गंभीर हो जाती हैं और ये बयान जो है क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुक्म की वायलेशन है और क्या वो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को सदन नहीं मानते और अब जो है वो हम
नए सदर के हुक्म को फॉलो करेंगे, यानी कि वो जो बाइडन के हुक्म को फॉलो करेंगे, तो ये अभी देखना बाकी है। और ये भी देखना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप वो उसके ऊपर क्या अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसके लिए ने क्या आगे की प्लानिंग की हुई है और क्या वो हालात जो हैं हो जाते हैं। और दूसरा ये कि यूएस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में कर देती है और क्या बयानात होते हैं। और ये भी देखना बाकी है कि माइक पोम्पियो जो है वो इस साल में जाके क्या अनाउंसमेंट करते हैं और क्या बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं वहाँ पर। उसके अलावा ये भी देखना बाकी है कि इन इकदाम के नतीजे में जो है क्या बरसगी में एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। मैं बरसगी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वो पॉसिबली यानी कि मुमकिन के कह लें कि आप 90% चांस वो है कि माइक पोम्पियो जो है वो इस साल के तौर पर शायद ये ऐलान करें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने टेन्योर के आखिरी एक महीने पहले यानी नवंबर या दिसंबर के मिड में जो है वो ऐलान कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो इस ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरा ये कि इसी सिलसिले में जो अमेरिकन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और दूसरा ये बताते चलूँ कि इंडिया सॉरी अमेरिका जो अगर ये जंग शुरू करता है ईरान के साथ तो पाकिस्तान और चाइना की जो सिचुएशन है वो क्या होगी और पाकिस्तान और चाइना जो है वो किस के साथ खड़े होंगे, उनकी जोग्राफी सूरत हाल क्या होगी, तो ये भी देखना बाकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कि खत्ते को नई जंग में जो है खेलते हैं और क्या वो खत्ते के हालात को मज़ीद गंभीर कर देते हैं, जिसके बाद जो है अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर टोटली तौर पर जो है वो है वो क्योटिक सिनेरियो में चला जाता है। वो क्या मुकम्मल तौर पर एक यानी कि ऐसी खाना जंगी अमेरिका खाना जंगी में भी जा सकता है और अमेरिका में जो सिविल वॉर जो है वो भी उभर सकती है। और जिसमें आप ये भी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर कह दिया है कि दे विल बी नो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर इन डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट प्रेजिडेंशियल टेन्योर, यानी कि आप पहले टेन्योर के खात्मे पर जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहा कि कोई भी पीसफुल या पुरअमन इंतकाल इकदार जो है वो नहीं होने देंगे और वो इन इलेक्शन को मानते ही नहीं, रिजल्ट को नहीं मानते, तो वो इंतकाल इकदार क्यों करें। तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है अमेरिका में जन्म लेने वाला है, जिसका अगर हल ना ढूंढा गया तो अमेरिका जो है वो एक मजीद बहरानों में गिरता जाएगा और अमेरिका की सलामती को भी खतरा जो है वो लाइक हो सकते हैं। तो ये देखना ये कि क्या कितने में नई जंग का आगाज़ होता है और क्या इंडिया इसी सिलसिले में जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो शुरू कर दिए हैं, तो ये देखना बाकी है। और क्या ये जो अटैक्स हैं इंडिया के अगर कश्मीर में क्या इसी सिलसिले की कड़ी हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करता है, पाकिस्तान को अपने हिजबुल मामले रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक के शर से महफूज रखे जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। तो इन्हीं दुआओं के साथ आप सब अपने कर्म के फजल के रहम के हमें अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करें और सबको अपनी सबकी हिफाजत करें और सबको खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।